मानस मंडल रीवा द्वारा मानस भवन में 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान बाहर से आए कलाकारों द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी, सुंदर कांड का सामूहिक पाठ होगा तथा साथ ही सुंदर कांड की संक्षिप्त व्याख्या भी की जाएगी। रीवा में मानस भवन का निर्माण 1978 में तत्कालीन कलेक्टर संपत राम ने यहाँ के समाज सेवियों की मदद से किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सज्जन सिंह बनाए गए थे, साथ ही उपाध्यक्ष भैयालाल शुक्ला जी थे। साथ ही यहाँ के वरिष्ठ समाज सेवियों को इसके मंडल में शामिल किया गया था। तब से यहाँ पर गतिविधियाँ लगातार संचालित। मानस मंडल रीवा ने अपने अत्याधिक आयोजनों को किए जाने का संकल्प पारित किया। प्रतिमा सामूहिक संगीत के साथ सुंदरकांड, हर 3 माह में दिव्यराम कथा और वर्ष में 1 बार श्रीमद् भागवत कथा का 51 यजमान तैयार कर कथा श्रवण करना के काम का प्रारंभ करने का तय किया है। मानस भवन के आयोजक यहाँ के कर्ता धर्ता चाहते हैं आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में समय का अभाव, स्वयं आयोजन करने में अत्यधिक खर्च और समय लगता है, इसलिए तमाम ऐसे लोग जिनके पास इच्छा तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने की है लेकिन संसाधन और समय नहीं है, ऐसे ही सज्जनों के लिए मानस मंडल ने संकल्प लिया है। तमाम जिज्ञासु जनों के लिए मानस मंडल श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिवसीय आयोजन कराना, दीनहीन व्यक्तियों की सेवा करना। पूरे मामले को लेकर पत्रकार वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। मानस मंडल, मानस भवन रीवा एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक संस्था है। ये इसका स्थापना काल 1978 है। 1978 में इसकी स्थापना हुई। भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति एवं अध्यात्म तुलसी साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए इसकी स्थापना हुई। तब से ये निरंतर आध्यात्मिक गतिविधियों को आयोजित करते हुए समाज में नैतिकता के विस्तार के लिए काम करता आ रहा। बहुत सारी श्रृंखलाएँ हैं आयोजनों की। हमारे पूर्व के लोगों ने, डॉक्टर सज्जन सिंह जी ने 25 वर्ष यहाँ अपनी सेवा दी और इतने अच्छे आयोजन किए, इतने लोगों को उन्हें बुलाया। बीच में कुछ कोरोना वोना के कारण से गतिविधियाँ रुकी, लेकिन ये नई कार्यकारिणी का चुनाव हुआ तो हम लोगों ने अपने उसमें आध्यात्मिक आयोजनों में एक श्रृंखला बनाई। प्रत्येक माह सामूहिक सुंदरकांड का पाठ संगीत के साथ, हर 3 महीने में दिव्यराम कथा आयोजन और साल में 1 बार श्रीमद् भागवत कथा आयोजन इन 51 यजमानों को इकट्ठा करके। लोगों की इच्छा होती है कि हम भागवत सुने और हम भी यजमान बन जाए, हम भी भगवान का पूजन करें, पर उनके पास स्थिति नहीं है। बहुत सारे लोग जो संपन्न हैं उनके पास समय नहीं है, लोग नहीं है, क्या करें, मन में इच्छा है। अब बहुत विभिन्न है, मन में इच्छा बहुत है पर साधन नहीं है। तो हम लोगों ने ये विचार किया कि नहीं, हम संपन्न विभिन्न दोनों की सेवा करेंगे यहाँ इन यजमान बना के। जो इच्छा है कि हम भी सवेरे भगवान का पूजन करें, आरती करें, सब कुछ करें, तो हमने कहा यजमान बनाएंगे और यजमान बना के उनको श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराएंगे। ये मूल आज के पत्रकार वार्ता की चर्चा थी, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होना है और आप सबका सहयोग मार्गदर्शन मिलेगा तो हमारा ये जो संकल्प है वो अच्छी तरह से पूरा। ये 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक है जी। मेरा नाम है सुभाष बाबू पांडे, मैं अध्यक्ष हूँ मानस भवन का यहाँ जी। यही रहेगा कार्यक्रम तो हम लोग निरंतर कर